एवरीवन, इट्स मी आशमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत दिन से रिक्वेस्ट भी है और मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी बहुत लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं कि आखिर क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या वजह है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उन लोगों के मन में अभी भी क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो उसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाते हैं और आपके सारे के सारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। सो मैं आज बात करने वाली हूँ बहुत ही जाना माना क्रीम का, जो कि है हमारे ये बेटनोवेट एन क्रीम। तो बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में लाइक हम सभी जानते हैं, और जनरली बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये स्किन को गोरा करने के लिए होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं सुनी हूँ अभी तक तो बहुत लोग इस क्रीम को अपने फेस पर यूज़ करते हैं। पता है किस लिए? क्योंकि उनकी जो स्किन कलर है वो थोड़ी सी डार्क है, उनको फेयर होना है और उनको अपने फेस पर जिनको पिंपल्स आ जाते हैं, जिनको फेस पर लाइक कुछ भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो सबको रिमूव करने के लिए बेटनोवेट एन क्रीम का यूज़ करते हैं। बट विदाउट ये जाने हुए कि ये क्रीम आखिर किस चीज़ में यूज़ होता है, ये क्रीम किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ये चीज़ जानने के बिना ही वो लोग इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेटनोवेट एन क्रीम आखिर किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, इसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, क्या इसको अप्लाई करने से फेस सच में हमारा गोरा होता है, इसको कौन से स्किन टाइप वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिनों तक लास्ट हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे सवाल के जवाब मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में दूंगी। सो या हमेशा मेरे वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए, अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आएगा उसको बजा देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी इस तरीके की कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँ तो आप लोग के फ़ोन में बेल बज सके। सो चलो स्टार्ट करते हैं, और हाँ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपकी फैमिली में कोई भी इसको यूज़ कर रहा है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कहीं भी अगर कोई भी इस क्रीम को यूज़ कर रहा हो तो हाँ उन लोगों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपने कमेंट्स ज़रूर करना कि अब आप लोग क्लियर हुए या नहीं हुए, और आप लोग को और किस टाइप का वीडियोस चाहिए उस चीज़ के लिए भी कमेंट्स ज़रूर से करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस क्रीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बॉक्स की। सो ये हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स रिसीव होता है, तो आप लोग देख सकते हो ये बॉर्लिन के बॉक्स के जैसा है, इसका पूरा का पूरा लुक बॉर्लिन के बॉक्स के जैसा है। और इसमें इसका प्राइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका प्राइस 30 रुपीज़ है। इसका मैन्युफैक्चर डेट है वो January 2019 है, और एक्सपायरी डेट जून 2020 है। मतलब कि ये आप लोग के अप्रोक्स 1 ईयर 3 मंथ ऐसे चलेगा, ओके। और अब हम लोग जानते हैं कि इसमें दी गई हुई कौन से केमिकल्स हैं, या फिर कौन से साल्स का यूज़ किया गया है, या फिर किस चीज़ का यूज़ किया गया है। तो इसमें हमारा 2 केमिकल का यूज़ किया गया है, जो हमारा पहला है वो है बेटा मिथासोन वैलेरेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा मिथासोन वैलेरेट किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, किस चीज़ के लिए ये केमिकल जाना चाहता है। सो मैं आप लोगों को इसे क्लियर करना चाहती हूँ, अगर फेस पे स्वेलिंग हो गई है, नॉट ओनली ऑन फेस, आपके किसी भी स्किन पर अगर स्वेलिंग हो गई है, सूजना, रेडनेस हो गया है, लाइक जनरली मैं बता रही हूँ कि ये एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम है, एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। अगर आप लोग को इस तरीके का बैक्टीरिया के टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप लोग को ईचिंग हो रही है, आप देख सकते हो आपके फेस पर या फिर आपके स्किन के कहीं पर भी अचानक से रेडनेस आ जाता है, ईचिंग होने लगता है, वहाँ की स्किन आप लोग की सूज जा रही है, स्वेलिंग होने लग रहा है, अजीब टाइप का हो गया है, या फिर आप लोग को अगर ऐसा फील हो रहा है कि जो हमारा स्किन है उस पर किसी इंसेक्ट्स ने बाइट कर लिया है, जिसकी वजह से पूरा रेडनेस स्प्रेड हो रहा है, बहुत सारे छोटे 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 दाने आ रहे हैं, बहुत सारे जैसे कि नेचुरल नहीं है वो। अगर हमारे फेस पर पिंपल्स आते हैं तो वो हमारे अंदर हार्मोन्स की जो चेंजिंग होती है उनकी वजह से आता है, ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया की वजह से आ रहे हैं। हार्मोनल चेंजिंग की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स होती है, जिनके वजह से हमारे फेस पर बहुत सारी चेंजिंग्स हमें और दिखाई देती है, विजिबल हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई सा भी क्रीम उठाएंगे और अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। तो इस बेटा मिथासोन के बारे में ये बता रहे हैं, आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप लोग को स्वेलिंग हो रही है, ईचिंग हो रखा है, रेडनेस हो गया, तो उसमें आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे पहला हमारा था। दूसरा हम लोग जानते हैं जो दूसरा हमें कौन सा इसमें क्रीम मिक्स होता है, लाइक कौन सा केमिकल इसमें हमें मिल रहा है। तो सेकंड जो हमारा है वो है हमारा नियोमाइन।
नियोमाइसिन स्किन क्रीम। तो जो हमारा नियोमाइसिन स्किन क्रीम है वो स्पेशलिस्ट है एंटी बैक्टीरियल क्रीम के लिए। अब एंटी बैक्टीरियल क्या हो जाता है, आप देखोगे सडनली आपको फील होगा कि बहुत रेडनेस स्प्रेड हो रहा है आपके फेस पर या फिर आपके स्किन पर, कहीं भी रेडनेस स्प्रेड हो रहा है, एक दाना टाइप का आ जाना होता है। जैसे कि अगर आप लोग को नॉर्मली दाना जो आता है वो अलग होता है, गर्मियों में जो दाना आता है वो अलग होता है, बट अगर आप लोग को लग रहा है कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर लिया है उसके वजह से अगर दाना आ रहा है तो वो चीज़ वो हो गया, उस चीज़ को ये क्रीम रिपेयर करता है। माइनर कट्स आ जाता है अगर आप लोग के बॉडी पर, माइनर छोटा सा कट्स वट्स आ जाता है, अगर हल्का फुल्का आप लोग को बर्न हो जाता है तो उस चीज़ के लिए नियोमाइसिन केमिकल का यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो नियोमाइसिन में जनरली यही होता है कि अगर आप लोग को वॉन्स हो गया, हल्का सा दिनाई जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दिनाई जिसको बोलते हैं, गाट्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो अगर आ जा रहा है, वॉन्स आ रहे हैं और बहुत सारे इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स जो आप लोग को आते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग बेटनोवेट एन का यूज़ कर सकते हैं। बट बेटनोवेट एन को यूज़ करने के लिए ये नहीं कि आप इसको लाइफ टाइम यूज़ करो या फिर आप इसको एज अ फेयरनेस क्रीम के जैसे यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि आप इसको एज अ फेयरनेस क्रीम यूज़ करो, बिल्कुल भी नहीं, ये फेयरनेस क्रीम नहीं है। इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में घुसा लो, क्योंकि मैं इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी मैं उसमें भी क्लियरली बोली हूँ कि दिस इज़ नॉट फेयरनेस क्रीम। बट बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है यू आर फूल, यू आर बेवकूफ़, यू आर दिस, यू आर डैट, मतलब कि हम लोग यहाँ पागल बैठे हैं बताने के लिए। तो बहुत लोगों ने एग्री करा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ की थी 15 डेज से भी कम मैं इसको यूज़ की थी अपने फेस पर, किस चीज़ के लिए भाई, तो वही फेयर होने के लिए, क्योंकि मेरा रंग भी उतना ज़्यादा फेयर नहीं है और आप लोग तो जान रहे हो कि हमारे इंडिया में फेयर लुक को आई डोंट नो वाई सब इतना ज़्यादा जज करते हैं कि फेयर लुक, वी ऑल नीड्स फेयर लुक, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारा जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं भी उस टाइम लाइक 10th में थी तो मैं भी यूज़ कर ली थी, बट मुझे उसके बाद क्या हुआ था, पूरे फेस पर मुझे पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए थे, बड़े बड़े पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए थे, इधर चीक्स के एरिया पे सर्कुलर फॉर्म में पूरा बड़ा बड़ा आने स्टार्ट हो गया था पिंपल्स। अगर मैं उस टाइम स्टॉप नहीं करती इस क्रीम का यूज़ करना तो मुझे जो चिक्स में छेद नहीं हो जाते, होल पोर्स जो बहुत बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं, वो मुझे उसकी प्रॉब्लम हो सकती थी, जबकि मैं उस टाइम 10th में थी तो फिर उस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी अगर मैं इसका स्टॉप नहीं करती तो। वो मुझे मेन वक्त पे पता चल गया कि इसी की वजह से हो रहा है, तो मैं बस इसको स्किप कर दी थी। उसके बाद मुझे 3 ईयर्स तक उसका स्कार्स रहा था, अब जा करके वो स्कार्स जो है वो रिमूव हुआ है। तो इतना बड़ा स्ट्रगल करने के बाद मैं कभी भी आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग इस क्रीम को फेयरनेस क्रीम के जैसे यूज़ करो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोगों को क्या होता है, डॉक्टर्स ही इस क्रीम को सजेस्ट करते हैं, बट वो एक टाइम पीरियड बताते हैं और लगाने का आप लोगों को तरीका बताते हैं और ये बताते हैं कि कौन से स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। ऐसा नहीं कि किसी को भी वो बोल दें कि आप बेटनोवेटेन यूज़ कर लो आपका स्कार्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो वो लोग बताएंगे कि आप लोगों का स्किन टाइप क्या है, पहले आपकी स्किन टाइप्स को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा क्रीम यूज़ करना है और आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रीम देंगे। बट बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर बहुत लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा था, उन लोगों ने कमेंट्स किया था कि मुझे तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था इस क्रीम को और मैं अप्लाई करा हूँ तो मेरा जो फेस है वो अच्छा हो गया है, क्योंकि मुझे फेस पर चिकन पॉक्स का स्कार्स रह गया था तो वो मेरा रिमूव हो गया है। और भी मुझे कॉमेंट्स आए थे कि मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से इसका यूज़ कर रही हूँ, बट जब मैं इसका यूज़ करना बंद कर देती हूँ तो मेरे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और जब मैं इसका कंटिन्यू यूज़ करती हूँ तो मेरे स्किन जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। और इसी तरीके के लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत लोग मुझसे एग्री थे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद हमारे स्किन ख़राब हो जाता है, उन लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए वो मेरी बात से एग्री थे, मेरे बात से सहमत थे। बट अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर ये क्रीम फेयरनेस ही क्रीम है तो आप लोग अप्लाई करो, आप लोग आराम से अप्लाई करो, आप लोगों को खुद ब खुद 15 डेज के अंदर डिफरेंस दिख जाएगा कि आप लोग स्किन पे क्या चेंजिंग हो रही है। फिर बाद में मत आकर के रोना कि हम बेटनोवेट यूज़ कर लिए इसकी वजह से हमारी स्किन पर ये हो गया, और भाई हम लोग तो खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग का तो दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ चलता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सभी एज अ फेयरनेस क्रीम है और हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग भी झट से गोरे हो जाएंगे। गोरा क्या होना यार, एक्चुअली आप लोग की जो स्किन की कलर्स हैं वो बहुत ही बेस्ट होती है, उसी को मेंटेन करो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा फेयर होना है हमें और फेयर ही होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये जो बेटनोवेट एन क्रीम है वो कुछ इसी तरीके का क्रीम है। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि एटलीस्ट बेटनोवेट एन क्रीम को यूज किस तरीके से करते हैं। देखो इसका बॉक्स कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग आता है, इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें से हम लोग को इस तरीके का ट्यूब रिसीव होता है। अगर आप लोगों को मैं ट्यूब नहीं दिखा रही तो आप लोग बोल देंगे फिर ये खाली बॉक्स लेकर के लग रहा है कि ऐसे ही बस हम लोग का दिमाग चाट रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसको मैं बस आज ही परचेज करके मंगाई हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनका आंसर मुझे करना था इसीलिए। तो हाँ इसका जो यहाँ पर है वो सील पैक है, आप लोग देख सकते हो सिल्वर से। तो इसको हम लोग पहले पिन करके ओपन करेंगे। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसको मैं यूज़ कहाँ करने वाली हूँ। अब मैं मंगाई हूँ भाई, मेरा पैसा वेस्ट हुआ तो मैं कहीं तो इसका यूज़ करूँगी ना। तो ये क्या करता है कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो मैं इसको अपने हील्स पर अप्लाई करूँगी, जो हमारे पैर के एरिया होते हैं, एरिया जो फट जाते हैं, तो उस पर इसको अगर मैं अप्लाई करूँगी नाइट टाइम में तो वो मेरे एरिया को थोड़ा थोड़ा रिपेयर कर देगा। बट ऐसा नहीं कि आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर लेना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मैं 2 holes कर चुकी हूँ और ये देखो अब मैं क्रीम निकाल रही हूँ उसमें से। इस टाइप की कंसिस्टेंसी में आता है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है इसमें से, बहुत ज़्यादा गंदी वाली। अगर आप लोग देखोगे टायर वगैरह कैसे जलाया जाता है या फिर गर्मी में कैसे टायर जलते हैं तो उसका स्मेल आता है, उसी तरीके से इसका स्मेल आता है। बहुत ही वाहियात स्मेल है। आई डोंट नो मैं उस टाइम कैसे इसको अपने स्किन पर अप्लाई कर रही थी, बहुत ही गंदा वाला स्मेल है। और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थिक है और काफ़ी ये चिपचिपा रहता है। आपकी स्किन पर अप्लाई करने के बाद बहुत देर तक आपका जो स्किन है वो चिपचिपा चिपचिपा वाला फील करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टिकी आपका स्किन जो है वो फील करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम एब्जॉर्बिंग हो जाएगा या फिर बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। जो लोग सोचते हैं कि बेटनोवेटेन एज अ फेयरनेस क्रीम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो या आई होप आप लोग को इतना तो एटलीस्ट समझ आया हो कि बेटनोवेटेन किस चीज़ में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो और अगर आप लोग को ये क्रीम सूट कर रहा है, आप लोग की स्किन पर ये क्रीम सूटेबल है, तो आप इसको मैक्सिमम 7 days यूज़ करो। 7 days के बाद आप इसका स्टॉप कर दो यूज़ करना, क्योंकि अगर आप लोग 7 days से ज़्यादा इसका यूज़ करते हो तो आपके फेस पर एक अलग से रेडनेस, इचिंग, पिंपल्स ये सब आ सकते हैं। तो हाँ यही आप लोग के लिए बेस्ट है कि आप लोग सिर्फ इसका 7 days यूज़ करो। 7 days से ज़्यादा आप लोग को इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को सूट कर रहा है तो आप लोग सिर्फ 7 days ही यूज़ करो। और अगर आप लोग को डॉक्टर सजेस्ट किए हैं तो उनके सजेशन के हिसाब से यूज़ करो कि वो लोग कितने दिनों तक के लिए आपको इस क्रीम को यूज़ करने को बोले हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को मेरे ये वीडियोस पसंद आया हो। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को और इसमें कौन से डाउट रह गए हैं, क्या डाउट आप लोग को क्लियर कराना है, वो सब आप लोग कॉमेंट्स कर दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ, आप सिर्फ एक वीडियोस देख करके और सारे वीडियोस छोड़ देते हो और नीचे में आप लोग बहुत सारे कॉमेंट्स करते हो कि अगर हमने इस क्रीम को यूज़ कर लिया तो हम क्या यूज़ करें जिससे हमारी स्किन सही हो जाएगा, या फिर फेयर होने के लिए कोई क्रीम बताओ, या फिर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं रिप्लाई तो करती हूँ, बट रिप्लाई करने के साथ साथ मैं आप लोग के साथ एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो से एटलीस्ट बने रहो। बने रहोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन करते हो ना उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे, बने रहोगे, तो आप लोग को आपके क्वेश्चंस का आंसर वीडियो में मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना, आप लोग को रिजल्ट के साथ आंसर मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो से भी बने रहने की पूरी तरीके से कोशिश करो यार। और आप लोग को किस चीज़ पर वीडियोस चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप लोग क्लियर करना चाहते हो, तो वो भी कमेंट्स कर देना, मैं आप लोग को उसका ज़रूर 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 से रिप्लाई करूँगी। और हाँ नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होके हमारे आपको मिलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा हो। सो या वीडियोज़ हमेशा देखा करें और वीडियोज़ को लाइक करें। बाय।